अनेक वामपंथी, अनेक नक्सली नेता आज उस आंदोलन के अंदर घुस गए हैं और किसानों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। भारत बंद का आह्वान किया गया था, एक भी किसान कहीं सड़कों पर दिखाई नहीं पड़ा। इनको यह कहे कि कृषि कानूनों को वापस ले लिया जाए तो ये संभव नहीं है। और मैं बिहार के किसानों को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने राजद कांग्रेस को नकार दिया। नव निर्वाचित राज्यसभा सदस्य सह बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी आज पटना के बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सुशील मोदी ने नए कृषि बिल पर छिड़े बवाल को लेकर अपना बयान दिया। क्या कुछ कह रहे हैं सुशील मोदी, आप भी सुनिए। भारत बंद का आह्वान किया गया था, एक भी किसान कहीं सड़कों पर दिखाई नहीं पड़ा। और मैं बिहार के किसानों को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने राजद कांग्रेस को नकार दिया। न वो भारत बंद में शामिल हुए, न उनके धरना में शामिल हुए, और आज पूरा बिहार के जो किसान हैं वो पूरी तरह से नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। और देखिए, बिहार ने तो जो कृषि बाजार समिति कानून था उसको तो 2006 में ही ख़त्म कर दिया था, और नरेंद्र मोदी जी ने आज देश के किसानों को बिचौलियों से मुक्त कर दिया है। किसानों को आज़ादी दी है कि अपनी उपज को हिंदुस्तान के किसी कोने में कोई बेच सकता है, कृषि उपज पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा, ऑनलाइन भी वो व्यापार कर सकेंगे और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकेंगे।